चेस्ट में पेन होता था, पेट दर्द, जलन, ब्रेन में ट्यूमर्स बन गए थे और उनके घाव थे गले में, भोजन नली में, गुदा द्वार में और आंतों में, इतनी जगह घाव बन रहे थे। ठीक है, उनका ब्रेन सुन्न हो जाता था जिससे उनको दिक्कत होती, पैरालाइज की स्मृतियाँ थी जी। आधा ब्रेन तो आधी तरफ पैरालाइज की स्मृतियाँ थी। बाबा जी सादर प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो? बढ़िया हूँ। कहाँ रहते हो? कुशीनगर। कुशीनगर जी। देखो तुम्हारी आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ ऐसे थी, आंखें कमजोर होती जा रही थी। ये आपके तमाम रोग और कष्ट थे जो सब नष्ट हो गए जी, सही स्मृतियाँ नष्ट हो गई, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। ब्रेन डिसऑर्डर, बुद्धि बंदी रहती थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, ग्लूकोमा की स्मृति थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे, बाइपोलर डिसऑर्डर था, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, रक्त दूषित हो रहा था, कमर में दर्द, स्वप्न दोष होना, अंडकोश में सूजन, प्राइवेट पार्ट में जलन, चुभन और दर्द होना, पैनक्रियाज श्रिंक हो रहा था, पैरों में कमजोरी, शरीर ऑटोइम्यून हो रहा था, MND की स्मृति थी, बैठकर उठने में कष्ट होना, रेटिना में पस हो रहा था, नकारात्मक विचार आते थे, कामों के स्पंदन होना, सर्वाइकल में पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पढ़ाई से उच्चाटन होना, कार्य के प्रति उच्चाटन होना, अल्जाइमर हो गया था, भूल जाते थे, अत्यधिक क्रोध आना, लीवर में सूजन, कैंसर की स्मृति थी, गुदा द्वार में, आंतों में, लंग्स में, प्रोस्टेट में और कोलोन में। सुन लिए जी भाई जी, ये सब नष्ट हो गया, आपको कोई कष्ट नहीं बचा, आपको अब खुश हो, एक महाओं भी करना है। अच्छा, अभी आपको स्लिप मिलेगी जी, अपने को रखना है, परिवार के दो सदस्य और शामिल करना है उसमें संकल्प में, जिनको असाध्य रोग हो, ज्यादा कष्ट हो। ठीक है जी बाबा जी, मुझे अपने माता जी के बारे में बोलना। हाँ हाँ बिल्कुल, फोटो निकालिए माता जी। ठीक है बेटा, देखना बंद करें। इनके बेटा, इनके रोमेटिक आर्थराइटिस, इनको जोर जोर में इनको खूब दर्द होते थे माँ को, जो अब नहीं है, चूँकि आपने संकल्प किए हैं इसलिए उनको अभी कष्ट नहीं। गर्भाशय में गांठें बन गई थी और उनका रीढ़ की हड्डी से लेकर नीचे पैर तक, देखो कितने रोग कष्ट थे, सब के सड़गल रहे थे। देख पाए ठीक से जी, ये सारे कष्ट रोग थे, दरबार ने तमाम हटाए सभी, उनके कूल्हे सड़ रहे थे है ना, श्वास फूलती थी, रक्त दूषित था, शरीर में गांठें कई जगह उनके बन गई, लाइपोमा, और चेस्ट में पेन होता था, पेट दर्द, जलन, ब्रेन में ट्यूमर्स बन गए थे और उनके घाव थे गले में, भोजन नली में, गुदा द्वार में और आंतों में, इतनी जगह घाव बन रहे थे, और उनको ओवरी में, उनके लीवर में, गर्भाशय में और हड्डियों में कैंसर बन रहा था। ठीक है, तो आप कल जब प्रातःकाल एक महावन करेंगे दरबार की ओर से निःशुल्क है ना, तो उसमें उनको भी संकल्प करके रखेंगे अपने साथ, ताकि असाध रोगों की स्मृतियाँ भी उनकी नष्ट हो। ठीक है, सिज़ोफ्रेनिया अलग से था उनको जी, जो लगता था भूत प्रेत टाइप, वो अलग से उनको महसूस होता था, वो सब नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं। ठीक है, उनका ब्रेन सुन्न हो जाता था जिससे उनको दिक्कत होती, पैरालाइज की स्मृतियाँ थी, आधा ब्रेन तो आधी तरफ पैरालाइज की स्मृतियाँ थी। ठीक है, एक साइड का पैरालाइज थी, वो पैरालाइज थी, वो मतलब एक साइड का काम नहीं कर रहा था वो। हाँ यस, पैरालाइज थी, वही बोला हमने आपको जी, क्योंकि पैरालाइजेशन की स्मृतियाँ थी ब्रेन स्ट्रोक के कारण। अब ये सब ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति लिखा ना इसमें ऊपर, सबसे ऊपर लिखा जी जी, तो ये उसी के कारण पैरालाइजेशन बेटा है ना। डॉक्टर ने तो ये भी बोल दिया था कि 6 महीने तक ही जीवित रहेंगी बस, ब्रेन ट्यूमर की उनकी ऑपरेशन हुई है। हाँ वो लिखा, ये सारी इतनी रिपोर्ट है, ये ब्रेन ट्यूमर्स लिखा ही हुआ है इसमें, आपको बोले ही होंगे। अभी आप बोला पेट दर्द, जलन, ब्रेन में ट्यूमर्स, ये सब, लेकिन ये सात स्मृतियाँ हैं, वो कल प्रातःकाल आप महावन करो, मम्मी को भी रख लेना साथ में संकल्प, तो असाध स्मृतियाँ नष्ट हो जाए। ठीक है जी, मैं ये पूछना चाहूँ, ये महाहवन जो है, मैं आगे डेट बढ़ाना चाहता हूँ उसे, क्यों डिले क्यों कर रहे हो? उनको तुरंत चाहिए महावन की आवश्यकता है, ऊर्जा की, वही तो जो असाध रोग उनको नष्टीकरण होगा स्मृतियों का बेटा, कल हो जाएगा जी, प्रातःकाल कल कर लो जी। ठीक है, तो ये ऊर्जा मिल जाए ना बेटा,
इसको डिले नहीं करना चाहिए, असाध्य रोग है, ठीक है जी गुरुजी। निःशुल्क होता है बिल्कुल जी, एकदम। चलो कर लो, शुरू खुश हो प्रसन्न।